टेंथ पॉलिनोमियल के प्रैक्टिस सेशन में लेके आया हूँ, जिसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है अभी तक उसके क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसपे बेस्ट क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे उसको भी आपको वीडियो को पॉज करके करना है, या फिर आप वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x² - x - 4। तो 3x² - x - 4, इसमें आपको जो पॉलिनोमियल का 10th क्लास का वीडियो था उसमें हमें बताया थे कि उसमें हमें क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आंसर को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आ जाए उसको फिर उसके सम और प्रोडक्ट से वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे अगर 3x² - x - 4 3x² - x - 4 की बात करें, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 4 क्या होता है, 12। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 12 और माइनस करने पे 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 3x² को ऐसे ही रखेंगे और 3×4 = 12, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 - 3 4 - 3x - 4। अब यहाँ पे 3x² अपना ऐसे ही रहा, 4 और x का मल्टीप्लाई हुआ तो 4x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -4x। -×-, के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -×- प्लस होता है, और 3×x 3x, तो प्लस का 3x हो गया ये आपका -4। जब इसको हम देखेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3x - 4। और लास्ट के टू टर्म्स में देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जहां पे कुछ कॉमन नहीं मिलता वहां पे हम कॉमन क्या लेते हैं, 1। तो यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 1 कॉमन। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 3x - 4। तो एक ब्रैकेट में 3x - 4 और सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या हुआ, 3x - 4। तो यहां से आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x - 4 एंड अंदर ब्रैकेट में x + 1। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व हो गया। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम इसको 0 के इक्वल कर दें। 0 के इक्वल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वैल्यू को 0 के इक्वल करके उसके रियल रूट्स फाइंड आउट कर सके। तो जो इसके रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 3x - 4 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा, माइनस 4 इस साइड जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। ऐसे ही सेकेंड की बात करें तो x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर क्या हो गया, -1। तो यहां से आपके दोनों x के रूट्स निकल गए, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू में फाइंड आउट हो गई। अब बात आती है को वेरीफाई कराना है, इनके जीरो जो कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई कराने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, -b/a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू -b/a की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो हमारा सम वेरीफाई कर जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म आपका b है, b की वैल्यू क्या है, 1। ये टर्म आपका a है, a की वैल्यू क्या है, 3। ये टर्म आपका c है, c की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पे जब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 - 1। 4/3 - 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 3/3। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। अब जरा देखिए इसमें जो -b/a है इसको अगर वेरीफाई कराए तो क्या आता है, तो यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1। b की वैल्यू आपकी क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -, प्लस हो जाएगा अपान a, a की वैल्यू 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। -b/a की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। तो यहाँ से सम और -b/a ये दोनों वेरीफाई कर गए, यानी सम हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, α×β + c/a। तो α×β की बात करें तो क्या होता है, α×β, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/3
इंटू माइनस वन, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस फोर बाई थ्री। सी बाई ए की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस फोर, तो माइनस फोर बाई ए, ए क्या है हमारा थ्री, तो यहां पे हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर गया। जब आपका सम भी वेरीफाई कर रहा है अल्फा प्लस बीटा वन बाई थ्री, अल्फा इंटू बीटा आपका फोर बाई माइनस फोर बाई थ्री, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है, सी बाई ए की वैल्यू भी माइनस फोर बाई थ्री आ रही है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन बाई थ्री आ रही है और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी क्या आ रही है वन बाई थ्री, तो यहाँ से हमारा सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई कर गए। तो एट लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरीफाइड। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है वैसे ही है, बस इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लोगे तो क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट पकड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका था सिक्वेंस इन्होंने क्या कर दिया है बिगाड़ दिया है, तो कुछ बच्चे इसको देख के क्या कर जाएंगे डर जाएंगे, तो इसको क्या करें पहले सिक्वेंस पे करें। हमारा रियल जो आइडियल सिक्वेंस होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, तो इसको हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। अब इसको क्या करेंगे सिक्स इंटू थ्री करने पे हमारा आ रहा है एटीन, अब आपको पता है कि कार्नर में माइनस है तो सेवन जो है वो क्या करने पे आना चाहिए माइनस करने पे, तो एटीन को ऐसा दो फैक्टर में डिवाइड करिए कि माइनस करने पे सेवन आए, तो हमें पता है कि नाइन टू जा क्या होता है एटीन और नाइन माइनस टू क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स सेवन, तो यहाँ पे इसको नाइन माइनस टू में ब्रेक कर देंगे और नाइन टू जा हमारा एटीन भी होता है, तो यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो स्टैकिंग के दो टर्म्स में हमें कॉमन क्या दिख रहा है थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा क्या टू एक्स माइनस थ्री, लास्ट के दो टर्म में हमें प्लस वन कॉमन मिल रहा है, तो प्लस वन अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री एंड अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन। अब इसको जीरो की इक्वेट करके अगर एक्स की हम वैल्यू फाइंड करें तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, यहाँ पे आपका एक्स बन गया जीरो। अब बात करते हैं थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो यहाँ पे प्लस वन इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो थ्री एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई थ्री, तो यहां से आपकी एक्स की दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बात आती है कि इसको भी वेरीफाई कराना है, तो फिर हम अपने क्या करेंगे वेरिफिकेशन वाले टॉपिक पे जाते हैं। वेरिफिकेशन में क्या हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जरा देखकर देखिए क्या होता है प्लस करने पे थ्री बाई टू एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू थ्री बाई टू, बीटा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, अगर इन दोनों को वेरीफाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, तो टू थ्री या सिक्स, थ्री थ्री या नाइन, फिर यहां पे थ्री टू या सिक्स, टू वन या टू, तो क्या हो जाएगा सेवन अपॉन सिक्स। अब बात करते हैं माइनस बी वाई ए की, तो माइनस बी वाई ए हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू देखें तो क्या है बी के प्लस में माइनस सेवन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस सेवन, माइनस सेवन अपान ए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स, तो यहां से हमारा जो है बी वाई ए क्या हो जाएगा सेवन अपान सिक्स। अब यहाँ पे हमारा क्या है सम वेरीफाई कर गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा जो है अभी इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई थ्री, तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा थ्री बाई सिक्स, इसको पेंसिल आउट कराइएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। अब बात करें सी बाई ए की, तो सी की वैल्यू क्या है, तो यहां पे अगर सी को कंपेयर किया जाए तो सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री अपान ए माइनस थ्री अपान सिक्स, इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई टू,
तो यहाँ पे हमारा सम भी वेरीफाई कर गया और प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर गया, तो एट लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरीफाइड। तो यहाँ से अब आपकी स्टैटिक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।